मैं कह रहा हूँ जाना किसको है, जाना नहीं है, ये सामान भेजना है। हम सामान का चार्ज अलग होता है। हम किस नाम से चैनल? चैनल गोजो राइडर। और ये क्या लगाओ, कैमरा लगाओ? हाँ कैमरा लगाया। ये किस काम का? ये व्लॉगिंग के लिए। आप करते हो व्लॉगिंग? हाँ। इसमें क्या कैमरा लगा हुआ? हाँ जी कैमरा ये। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज भाई 1 मार्च भाई, टाइम की बात की जाए तो भाई 10 बज रहे हैं भाई अभी करेक्ट, और हमारे पास अपनी फर्स्ट राइड आ चुकी है यार। अरे यार थोड़ा लेट निकले यार, 10 बज गए। मैं सोचा था जल्दी निकलूँगा बट निकल ही नहीं पाया भाई, बट कोई बात नहीं यार, फर्स्ट राइड आ चुकी है हमारे पास ओला पे अपनी। अपने को जाना है सेक्टर 24, चलते कस्टमर पिक करने भाई रेलवे स्टेशन से, वही भाई 2.5 किलोमीटर से पिकअप, बट कोई बात नहीं, राइड तो भाई बढ़िया मिल जाएगी, वहाँ से फिर निकल जाएगी दिल्ली की तरफ, राइड मिले या ना मिले। चले पिक करते हैं पहले कस्टमर को। 7,013 तो दोस्तों भैया को तो पिक कर लिया हमने भाई, अपने को जाना है साइबर सिटी, चलते हैं यार 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, करते हैं भैया को जल्दी ड्रॉप, फिर मिलते हैं आपसे। पेमेंट कर लेने ठीक है। ठीक है भैया। तो दोस्तों भाई भैया को तो भाई ड्रॉप कर दिया हमने भाई, अपने को मिले 118 रुपये, 12.5 किलोमीटर के 118 रुपये। चले ठीक है यार, ठीक है यार, अब यहाँ से निकलते हैं भाई यू ब्लॉक की तरफ, क्योंकि यहाँ तो राइड आएगी नहीं भाई, यहाँ से तो भाई राइड बस लोग ड्रॉप करने आ रहे हैं, मतलब ऑफिस एरिया है ये तो पूरा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड पे। तो दोस्तों यार साइबर सिटी से तो भाई मैं आया नगर की तरफ जा रहा था यार, मैं सोचा भाई राइड से यार वेट करने से अच्छा है आया नगर की तरफ निकल जाते हैं। भाई हमारे पास राइड आ चुकी है, हमें जाना है भाई वसंत कुंज भाई, आया नगर से पिकअप है यार 1.7 किलोमीटर से, चलते हैं पहले कस्टमर को पिक करते हैं। OTP मैम 8560। सो दोस्तों मैम को तो पिक कर लिया भाई अपने, भाई अपने को जाना है वसंत कुंज, चलते हैं यार 9.2 किलोमीटर डिस्टेंस है, करते हैं मैम को जल्दी से ड्रॉप, फिर मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों यार हमारे पास छोटी सी राइड आ चुकी है यार भाई ऊबर पे, भाई अपने को जाना है भाई मुंद्रिका, चलते कस्टमर पिक करने, 350 मीटर से पिकअप है यार, और छोटी सी राइड मतलब भाई 4.5 किलोमीटर का ड्रॉप होगा। चलिए कोई नहीं पिक करते कस्टमर को, फिर मिलते हैं आपसे। ये क्या लगाओ, कैमरा लगाओ? हाँ कैमरा लगाया। ये किस काम का? ये व्लॉगिंग के लिए। आप करते हो व्लॉगिंग? हाँ। दोस्तों भैया को तो पिक कर लिया हमने भाई, अपने को जाना है भाई वसंत विहार मेट्रो स्टेशन, चलते हैं यार 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, करते हैं भाई जल्दी ड्रॉप, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है भैया, ऑनलाइन पेमेंट है? पेड है भाई। हाँ पेड है। तो यार भैया को तो भाई ड्रॉप कर दिया हमने वसंत विहार मेट्रो स्टेशन, भाई ऑनलाइन पेमेंट थी यार, और हमें मिले हैं 55 रुपये। ठीक है यार 5.5 किलोमीटर के 55 यार, कंटिन्यूसली अगर राइड आए ना तो भाई मैं 50 से ऊपर की राइड मैं मार लूँ भाई, ज़्यादा मतलब वेट ना करूँ मैं, वरना पहले मैं करता था यार, थोड़ा सोचता था कि यार 50 साइड की राइड छोड़ो यार स्किप करते हैं, और स्किप कर करके टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देता था मैं, बट अब मैं सोच रहा हूँ 50 साइड वाली भी राइड मारूँ। चले देखते हैं आज का भाई क्या जाता है 50 साइड वाली राइड मार के। चल अब तो मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट राइड पे। सो दोस्तों यार हमारे पास भाई अपनी नेक्स्ट राइड आ चुकी है यार, भाई यहीं पे खड़ा था मैं, यहीं से राइड आ गई है, अपने को जाना भाई रंगपुरी भाई, वही महिपालपुर की तरफ भाई, लोकेशन तो यहीं पर है, कस्टमर दिखा भी रहा है मेरे बाजू में लेकिन है किधर ये लग रहा है, हाँ यही है भाई, चलो सही है कहीं जाना भी नहीं पड़ा। OTP भैया 4358। हाँ 4358। सो दोस्तों कस्टमर को तो पिक कर लिया हमने भाई, अपने को जाना है रंगपुरी, वही यार महिपालपुर की तरफ है, महिपालपुर वाले रोड पे भाई 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, राइड मैंने उठाई की थी यार तो 9 किलोमीटर दिखा रहा था, हो गया 5.5। चलिए कोई बात नहीं यार, पैसे भी कमी हो जाएंगे, चलिए जल्दी से ड्रॉप करते हैं मेरे को, फिर मिलते हैं आपसे। ओके तो दोस्तों भैया को तो भाई ड्रॉप कर दिया हमने भाई मुंद्रिका कह रहा हूँ, कहाँ पे हम, हाँ रंगपुरी महिपालपुर के पास, भाई 5.5 किलोमीटर के अपने को मिले भाई 53 रुपये, और नेक्स्ट राइड आ चुकी है अपने पास ओला पे, कस्टमर की लोकेशन अभी इसके अंदर जाना पड़ेगा क्या, कॉल करते हैं पहले कस्टमर को।
तो दोस्तों भाई ओला वाला राइड तो भाई कैंसिल हो गई भाई, और नेक्स्ट राइड आ गई थी हमारे पास उसी टाइम पे ऊबर पे। अपने को जाना है भाई द्वारका, द्वारका सेक्टर 14 आई थिंक। कस्टमर की लोकेशन भाई बस 300 मीटर दूर पे है। करते भाई कस्टमर को पिक फटाक से। चले भाई कस्टमर मिल गए। OTP या OTP 61। बैठ जाओ भैया। तो दोस्तों भैया को तो पिक कर लिया भाई हमने। भाई अपने को जाना है द्वारका सेक्टर 14 वेगास मॉल। चलते हैं यार, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 40 मिनट लगने वाले हैं यार। चलिए जल्द से ड्रॉप करते हैं भैया को, फिर मिलते हैं आपसे। किस नाम से है चैनल? चैनल गोजो राइडर। थैंक यू भैया। दोस्तों भैया को तो भाई ड्रॉप कर दिया यार हमने वेगास मॉल। भाई बहुत ही बढ़िया थे भैया, तो चैनल का नाम खुद ही पूछा, सब्सक्राइब भी कर दिया भाई, मज़ा आ गया भाई। 16 किलोमीटर के अपने को मिले 142 रुपये। चले सही यार। अब यार यहाँ से देखते भाई कोई राइड करें या फिर थोड़ा लंच करें, सोच रहे पहले लंच कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, मिलते हैं आपसे लंच के बाद। तो दोस्तों यार गौरव भाई से मिलने आए थे भाई लंच, दूसरी बार लंच भी कर ले भाई से। अब चलते हैं यार, राइड भी आ चुकी है हमारी। टाइम की बात की तो भाई 2 बजने वाले यार, लंच भी हो गया अपना। भाई बाइक तो मस्त है अभी भी, अब कराएंगे इसको और टंचे। चलो ठीक है गौरव भाई, मिलते हैं भाई। चलो बार बार की चॉकलेट। अरे चॉकलेट खर्चा कहाँ है यार। चलो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम। ठीक है चले भाई, हमारे रैपिडो पे राइड आ चुकी है। अपने को जाना है चाणक्यपुरी भाई, लंच करना है यार। मैं भाई बोल रहे थे अगर पास में ही हो आ जाओ, मैं आ जाते हैं साथ में लंच कर लेंगे। चलिए कस्टमर पिक करते हैं पहले। 200 मीटर से पिकअप है यार बस। भाई कस्टमर ने तो बोला भाई पे खड़ा हूँ बीकानेर के पास, यहाँ तो नहीं दिख रहे कोई भी। हाँ ये भाई पगड़ी भी रखी आपने? अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं कोई आएगी नहीं ना मेरे को। ये तो कैप लगा रखी ना आपने? हाँ हाँ। कैप नहीं उतर सकते? नहीं अंदर तो वो बाल है ना। तो फिर कैसे? नहीं होगा बिना हेलमेट के चलान तो कट जाएगा ना फिर। हाँ? चलान कट जाएगा ना फिर इसके? ये तो उतरेगी भी नहीं। वही पूछ रहा हूँ आपसे मैं, पगड़ी होती है तो फिर पुलिस वाले कुछ नहीं करते। टोपी है ना? ऐसे ऐसे सीधे तो नहीं आएगी ये। हाँ? सीधा तो नहीं आ पाएगी। हाँ क्योंकि मैंने दूसरे आया था ना जिसके पास उसका दूसरा था। हाँ छोटा वाला होगा सामने वाला। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो तो चल जाता है, पगड़ी होती तो चल जाता है ऐसे। फिर आगे जाके सिर पे वैसे रख लूँगा कैसे? वो तो पुलिस वाले तो देख ही लेंगे ना फिर। मैंने पकड़ लिया तो फिर सीन खराब हो जाएगा। गाड़ी बुक कर लो फिर। और ऑटो कर लो, ऑटो कर लो। सोचते यार राइड तो भाई कैंसिल करनी पड़ेगी यार। भाई भैया अगर पगड़ी पहन रखी होती तो चल भी जाता। अब भाई कैब के ऊपर वो कैब उतार नहीं सकते, और भाई बिना हेलमेट के भाई जा नहीं सकते हम। कोई नहीं भैया कह रहे हैं कैंसिल करने के लिए। तो दोस्तों यार वो लास्ट राइड तो भाई मेरी कैंसिल हो गई थी भाई, भाई यार हेलमेट के चक्कर में भाई राइड कैंसिल हो गई थी वो। और उसके बाद भाई 10-15 मिनट से ज़्यादा वेट कर लिया मैंने, कोई बढ़िया राइड आई नहीं थी यार। अभी जाके हमारे पास राइड आई है पार्सल की, और भाई अपने को जाना है सीधा गुड़गांव सेक्टर 43। भाई बहुत ही लंबी ट्रिप हो गया यार ये, हल थी 25 किलोमीटर के आसपास राइड तो होगी कम से कम ये। चलते हैं 25 नहीं यार 30 के आसपास चलते भाई, पिकअप करते हैं पार्सल को। पिकअप तो पास्ते भी यार 7 किलोमीटर, देखते भाई पार्सल में क्या है, करते हैं पिक फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों पार्सल पिक कर लिया हमने यार, भाई अपने को जाना है गुड़गांव सेक्टर 43। चलते हैं यार 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, करते हैं जल्दी से डिलीवर, 1 घंटा लगने वाला है, 1 घंटा 2 मिनट। चलिए जल्दी से डिलीवर करते हैं इसे, फिर मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों पार्सल तो भाई डिलीवर कर दिया हमने भाई, भाई 30.5 किलोमीटर के अपने मिले भाई 325 रुपये। चलिए सही है भाई, अब देखते हैं यहाँ से भाई बड़ा सी राइड बन जाए हमें। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड पे। सो दोस्तों यार भाई ऑलमोस्ट भाई कितना हो गया, 1 घंटा होने वाला है यार मुझे सेक्टर ये 43 में। भाई यार राइड्स मतलब भाई आ नहीं रही यार, मतलब रैपिडो वाला पे तो भाई राइड आ नहीं रही यार।
दो चार यार छोटे मोटे राइड्स पर जितनी भाई मैंने उठाया नहीं यार, एक एक किलोमीटर की राइड थी। और फिर यार मजबूरन मुझे ओला कह रहा हूँ, ऊबर ऑन करना ही पड़ गया। ऊबर का भाई रेट कम है गुड़गांव में, इसलिए ऊबर ऑन नहीं कर रखा था। अब यार ऊबर ऑन करते राइड आ गई, बताओ अपने को जाना भाई सेक्टर 4 यार भाई है ना। बट ऑन तो कर लिया, राइड भी उठा ली हमने, लेकिन रेट कम मिलेगा इसमें हमें। 12 किलोमीटर का राइड है और दिखा रहा है भाई 90 रुपये, 90 में 5% टैक्स हटा लो, मतलब वही मतलब 86 के आसपास मिलेगा ना 12.5 किलोमीटर के। यार कुछ फ़ायदा नहीं होगा भाई, क्या करें मजबूरन में ऑन करना पड़ेगा हमें। चले कोई नहीं, पिक करते पहले कस्टमर को यार, 500 मीटर से पिकअप है, पिक करते पहले कस्टमर को। आई होप यार इसके बाद शायद रैपिडो वाला थोड़ी राइड्स दें, वरना तो यार आज का दिन ख़राब हो जाएगा। चले कोई नहीं, करते हैं पहले कस्टमर को पिक। आपको जाना है? जाना किसको है? जाना किसको है? मैं कह रहा हूँ जाना किसको है? जाना नहीं है, ये सामान भेजना। हम सामान का चार्ज अलग होता है, हम सामान राइड बुक करी ना, सामान बुक नहीं किया, पैकेज बुक करते ना फिर। लो एक बार बात करो। हेलो हेलो भैया, राइड बुक करी ना अपने, पार्सल नहीं बुक किया? हाँ जी, इसमें लोकेशन गलत है क्या? सेक्टर 4 की थी शायद से। अरे वो आपके उबर में गलत आते लोकेशन है, ऊपर नीचे हो जाते। अच्छा ठीक है, नोट करो नंबर। सो दोस्तों यार कस्टमर ने भाई पार्सल पकड़ा दिया यार राइड बुक करके। मैंने बोला भैया राइड बुक रखी, आपने पार्सल नहीं बुक रखा, तो कह रहे कोई नहीं मैं आपको एक्स्ट्रा कर दूंगा। अब एक्स्ट्रा कितना करूंगा ये तो ये पूछा नहीं मैंने, सीधा फ़ोन काट दिया उन्होंने। अब देखते हैं यार, राइड तो आ रही थी जो है यार, ले चलते ही सही, देखते हैं भाई कुछ तो एक्स्ट्रा कर ही देंगे वो। चलिए यार 12 किलोमीटर डिस्टेंस से अपने जाना सेक्टर 4, ड्रॉप करके मिलते हैं आपसे। ठीक है, मैंने झूल के रख दिया, मैं फ़ोटो भी खींच लेता। तो दोस्तों यार भाई पार्सल तो डिलीवर कर दिया हमने भाई गुड़गांव सेक्टर 4 में, और इसके भाई हमें कस्टमर ने दिए भाई 120 रुपये, मतलब 30 रुपये तो टिप दिए कस्टमर ने इसमें, 88 और माइनस 30, मतलब ये यार 120 हो गया। चलिए सही यार, बाकी अब देखते हैं इसके बाद कोई बढ़िया सी ट्रिप मिल जाए हमें। ऊबर पे तो यार ना मिले तो अच्छा है भाई, रैपिडो और उससे मिल जाए ओला पे, बट राइड आई नहीं रही इन पर, कोई हाई डिमांड एरिया भी नहीं दिखा रहा है। तो चलिए देखते यार कोई राइड आती है तो मिलता हूँ मैं आपसे। सो दोस्तों यार भाई 1 घंटा हो गया भाई मुझे भाई भाई बिना राइड के भाई, ऐसे भाई सेक्टर 4 बैठा रहा 10-15 मिनट भाई कोई राइड नहीं बजी। फिर भाई वहाँ से भाई सेक्टर 4-7 चौक पे गया, बैठा रहा भाई, वहाँ से राइड नहीं आई। अभी भाई इधर बस स्टैंड की तरफ आ रहा था मैं, अभी जाके बची, मतलब 1 घंटा मेरा पूरा वेस्ट हो गया भाई। अब जाके एक सिंगल राइड आई मेरे पास, मतलब ये राइड भी नहीं है, पार्सल की राइड है ऊबर पे, रेट कम मिलेगा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं भाई, भाई 1 घंटा वेस्ट हो गया भाई मेरा। भाई गुड़गांव जल्दी आके तो भाई गलत ही फंस गया यार, पूरे काम की ऐसी हो गई मेरी। चले कोई बात नहीं यार, अब देखते हैं कवर करते हैं कैसे ना कैसे कवर कर ही लेंगे। वो टाइम की बात की जाए तो भाई 6 बज रहे हैं भाई, मैं यार क्या यार। चले कोई नहीं, पिक करते हैं पहले कस्टमर के पार्सल को। फ्लैट नंबर 104 टावर, ठीक है, पेमेंट वही करेंगे ठीक है। सो दोस्तों भाई पार्सल तो पिक कर लिया हमने यार, छोटा सा डॉक्यूमेंट है, और भाई अपने को जाना है सेक्टर 70 भाई। राइड भी लिया हमने तो भाई एकदम आउट एरिया की, जहाँ से कुछ मिलता नहीं है, क्या करें यार आज। जब भाई राइड मिले ना 1 घंटे से तो जो आता है वो उठा लेते हैं भाई। आज जल्दी गुड़गांव आके भाई मैं गलत फंस गया यार। चले कोई बात नहीं, आधा घंटा लगने वाला, 28 मिनट तो दिखा रहा है बस पहुँचने का, ऊपर से अपार्टमेंट में आना जाना तो भाई मतलब और टाइम 10-15 मिनट और मान लो, मतलब 40-45 मिनट हम भाई इसमें वेस्ट होंगे। 12 किलोमीटर राइड है, मतलब कि शायद 90 रुपये के आसपास बनेंगे यार इसमें। चले कोई नहीं यार, करते भाई से भी कंप्लीट, फिर मिलते हैं आपसे। मैम पेमेंट भी है इसकी 137। सो दोस्तों भाई पार्सल तो डिलीवर कर दिया हमने, और भाई 12.5 किलोमीटर के अपने मिले भाई 102। चले ठीक है यार, और एडवांस में हमारे पास राइड हो चुकी है इसी पे ही, ऊबर पे ही अपने को जाना है सेक्टर 29 झड़सा। चलते भाई कस्टमर पिक करने, पिकअप भी ज़्यादा दूर से नहीं है यार, 1 किलोमीटर अभी तक। हाँ जी भैया, पार्किंग
खड़ी कर दो यार कहीं भी। क्या लिख रहे हैं, थोड़ा जल्दी करो, आई एम ऑन माय वे। ओके चलते भाई, कस्टमर पिक करते हैं। 1 किलोमीटर से पिकअप है। OTP मैम 8018। ओके तो दोस्तों मैम को तो पिक कर लिया हमने, भाई अपने बताना है सेक्टर 38 झाड़सा। चलते हैं यार, 9.8 मतलब 10 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। चलते हैं जल्दी से, ड्रॉप करते हैं हमको, आधा घंटा लगने वाला है। अरे चलिए ड्रॉप करके मिलते हैं आपसे। वेलकम दोस्तों, मैम को तो भाई ड्रॉप कर दिया यार। भाई अपने को मिले भाई कितने मिले, 88 रुपीस, कम हो गए क्या? 10 किलोमीटर के 88 रुपये। चलिए ठीक है यार, अब देखते हैं यहाँ से कोई बड़े से राइड मिल जाए और 3-4 राइड और कर ले यार, फिर चलते हैं। तो दोस्तों यार भाई हमारे पास नेक्स्ट राइड आ चुकी है ऊबर पे ही। भाई अपने को जाना है नाथूपुर सेक्टर 24। चलते हैं भाई, कितना 250 मीटर से पिकअप यार बस। भाई रेट थोड़ा सा सही लग रहा था मुझे ऊबर का इसमें, मतलब 11 किलोमीटर समथिंग के आसपास। चलिए चलते हैं, कस्टमर पिक करते पहले, फिर मिलते हैं आपसे। सारा बुकिंग है लड़की के नाम से है, मैडम धोखाधड़ी करती है। OTP क्या बताएं मैम? 0741। ओके गलत है मैम, 0749। अच्छा OTP कब बताती है? नारायण हॉस्पिटल। अच्छा ये ले जाए दोस्तों, मैम को तो पिक कर ले भाई। भाई सर के नाम से राइड थी, आ गई मैडम, बट कोई बात नहीं। हाँ मैम इधर से हाईवे निकल जाएगा ना। अरे वो तो ठीक है, चलते भाई करते हैं जल्दी से ड्रॉप। कितना 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है यार, आधा घंटा लगने वाला है यार, पीक टाइम चल रहा है अभी ऑफिस का, तो जाम तो होगा ही। चलिए कोई नहीं, करते हैं ड्रॉप, फिर मिलते हैं आपसे। कैमरा लगा हुआ? हाँ जी कैमरा, ये ₹100। इससे क्या फायदा है? फायदा में सेफ्टी होती है। हैं? सेफ्टी होती है। कितने का आता है ये? 40,000 का। हेलमेट नहीं कैमरा। अच्छा ठीक है दोस्तों, मैम को तो भाई ड्रॉप कर दिया हमने नारायण हॉस्पिटल सेक्टर 24। भाई इसके मिले हमें कितने मिले यार, 99 रुपये मिले भाई। 10 फुट मतलब 11 किलोमीटर के 99 रुपये। चलिए सही यार, सही रेट कैसे मिल रहा है भाई? 2 राइड से लगातार हमें रेट सही मिला ऊबर पे। मेरे ख्याल से ना शायद पी कार्ड्स में जब ऑफिस की छुट्टी होती है इस टाइम पर शायद रेट थोड़ा सही हो जाता है ऊबर पे। बाकी ठीक है यार बढ़िया। रैपिडो पे तो राइड्स आई नहीं रही भाई बिल्कुल भी। ओला पे गई थी वसंत कुंज की, मैंने ली नहीं, अभी दिल्ली भी जाने का फायदा नहीं, 8 हो चुके हैं। चलिए देखते नेक्स्ट राइड हमारी कोई बढ़िया से आ जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड पे। अब सो दोस्तों भाई 15 मिनट के वेट के बाद यार अब हमारे पास राइड आई है। मतलब राइड तो पहले भी आई थी बट सब दिल्ली की राइड मिल रही थी यार, जब चीरी आई थी दिल्ली की राइड तो मिलती नहीं है। चलिए कोई नहीं यार, 15 मिनट के बाद राइड आई है। ये आई है भाई अशोक विहार फेज 2 जाना अपने को। चलते हैं यार, 1 किलोमीटर से पिकअप है, 10 किलोमीटर के आसपास की राइड हो गया यार। ये यार आज तो यार काम करने मज़ा बिल्कुल आया नहीं है, काम मज़ा कहाँ से आएगा, तो काम मिलेगा ही नहीं आज भाई। आज भाई गुड़गांव जल्दी आके भाई फंस गया यार भाई में, हमारे भाई 2 घंटे तो भाई यहाँ बस वेटिंग में खड़े वेट हो गए, और 1 घंटा दिल्ली मान लो, मतलब 3 घंटे तो ऐसे ही फालतू चले गए। बाकी कोई नहीं यार, करते हैं कस्टमर को पिक, फिर मिलते हैं आपसे। 5877। हाँ शीतला माता मंदिर है। हाँ समझ गया। हाँ रिकॉर्डिंग होता है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग होता है। चले किधर से? अच्छा हाँ। तो दोस्तों भैया को तो पिक कर लिया हमने, भाई अपने को जाना है शीतला माता मंदिर। चलते हैं यार, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई वहाँ से। भाई घर ऑलमोस्ट मतलब 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर होगा घर हमारा, 4-5 किलोमीटर मान लो। देखेंगे यार ये लास्ट राइड करेंगे क्या, राइड तो यार आज ना हुई है और ना मन कर रहा और करने का। जब यार काम नहीं होता ना तो लगता है भाई छोड़ो और क्या काम करे, बट भाई मैं इतना कर लेता हूँ भाई काम की ज़्यादा बुरा ना जाए, बस घर तक पहुँच जाए सही सलामत। सही सलामत मतलब काम कर करके। चलिए ड्रॉप करते हैं भैया को, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है भैया, थैंक यू।
वेलकम दोस्तों। भैया को तो भाई ड्रॉप कर दिया भाई अपने शीतला माता मंदिर के पास, और भाई अपने को मिले भाई 10 किलोमीटर के 100 रुपीज़। चलिए सही यार, अब यहाँ से मारेंगे आईडी ऑफलाइन, जाएंगे सीधा घर भाई। और काम करने का मन है ही नहीं भाई आज, आज यार भाई काम कैसे तैसे रखी है पूरी। चलिए अब सीधे यार आपसे अब घर पे मिलेंगे यार। सो दोस्तों यार 9 बजे के आसपास यार हम घर आ गए थे यार, और सुबह निकले थे हम 10 बजे करीब, मतलब 11 घंटे। सो यार बात की जाए अर्निंग की यार, तो 1038 का हमने भाई ऊबर पे किया था, 218 का यार ओला पे हमने की थी, और एक कस्टमर ने 30 रुपये के आसपास हमें टिप दी थी। बात की जाए बाइक की यार, तो बाइक चल चुकी थी हमारी 165 किलोमीटर घर तक, मतलब 280 के आसपास का पेट्रोल मान लो आप। सो टोटल में बचे 1006 रुपये, मतलब मोटा मोटा 1000 बचे यार 11 घंटे काम करके। हाँ यार मतलब दोपहर में तो भाई फंस ही गए थे भाई गुड़गांव जल्दी आके भाई, मतलब 2 घंटा तो मैं आई थिंक बस वेट किया मैंने, बस एक राइड कंप्लीट करी फिर 1 घंटा वेट किया, फिर 1 राइड करी फिर 1 घंटा का मतलब वेट किया मैंने, तो मतलब 2 घंटा तो बस मैंने गुड़गांव बस वेट किया यार, राइड मिली नहीं थी यार। और दिल्ली में भी आई थिंक आधे घंटे के पास मैंने वेट किया था, बट कोई बात नहीं यार 3-4 घंटे आसपास हमारे वेस्ट हो गए थे, फिर भी हमने 1000 मतलब बचा ली भाई 11 घंटे काम करके। सो आई थिंक यार मतलब अगर काम ना हो फिर भी उसके बाद भी अगर आप 1000 बचा लो तो भाई बहुत ही सही है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको जरूर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना यार, शेयर करना दोस्तों के साथ, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार जल्दी से, हमारे 2K करवा दो। तो दोस्तों मिलते हैं कल ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, ओके टेक केयर, बाय, गुड नाइट।